Assalamualaikum. Welcome to my channel Happy Cooking and Fun Moments. आइए शुरू करते हैं। हम बना रहे हैं बटर चिकन, जिसके लिए हमें चाहिए 3 बड़ी प्याज ले ली हूँ, इसे थोड़ा मोटा मोटा स्लाइस कर ली हूँ। 2 बड़े टमाटर है, इसे भी थोड़ा चॉप कर ली हूँ। चिकन है ये 300 ग्राम, आप चाहिए तो ज्यादा भी ले सकते हो। मैंने इसे बॉईल करके श्रेड कर ली हूँ। ये पाउडर मसाले हैं, जिसमें आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर है, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्ची का पाउडर है, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर है और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर है। हमें अखा मसाला चाहिए, जिसमें काली मिर्ची है, लौंग है, तेज पत्ता है और दालचीनी का टुकड़ा है। कसूरी मेथी है 1 बड़ा चम्मच, 8-10 काजू चाहिए, 1 बड़ा चम्मच जीरा है, अखा जीरा। इसमें हमें 4 हरी मिर्ची चाहिए, 4-5 हरी मिर्ची, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा चाहिए और 8-10 कली लहसुन की चाहिए। तेल चाहिए 1 कप और नमक चाहिए हसबे जायका। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई रख ली हूँ गैस पे, गैस चालू कर ली हूँ। इसमें अब मैं थोड़ा सी तेल डालूंगी। हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं थोड़े काजू डाल रही हूँ। हमें इसे बस हल्का सी फ्राई करना है। ये हमारे जो अखे मसाले हैं, अब हम ये डाल देंगे। हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस हल्के से फ्राई करना है इसे, ये थोड़ा फ्राई हो जाए। अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हमें हल्का सिर्फ सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। देखिए 3 मिनट हो चुका है, हमारी प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। हमें इसे लाल नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। हमें इसे भी थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाना है। हमें इसे चलाते रहना है और टमाटर को थोड़ा दबाते रहना है इससे। अभी हमारा टमाटर सॉफ्ट थोड़ा होना बाकी है। टोटल 5 मिनट हो चुका है, हमारा टमाटर सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे गैस बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे थोड़ा फैला के निकालिए और इसे ठंडा होने दीजिए, फिर हमें इसे पीसना है। हमें इसको ऐसे फैला के पंखे में रखना है, ये 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा। फिर आप इसे बारीक पीस लीजिए। देखिए मैंने मसाले को पीस ली हूँ थोड़ा पानी डाल के। अब हम फ्राई पैन रख लेंगे। फिर से कढ़ाई रख ली हूँ, गैस चालू कर ली हूँ। अब हम इसमें से आधा तेल डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच डालेंगे और ये टाइम पे 1 चम्मच हम मस्का डालेंगे। अभी देखिए हमारा बटर और ऑयल बटर मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें जो अखा मसाला है ना, ये डाल देंगे। इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसमें हम जीरा भी डाल देंगे, इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। अब हमारे जो पाउडर मसाले थे ना, अब हम ये डालेंगे तेल में। हमें इसे भी अच्छे से भून लेना है। ये टाइम पे पाउडर मसाले डालने से इसका कलर अच्छा आता है। अब हम जो पिसा हुआ मसाला है ना, ये डालेंगे। हमें इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों में। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर इसे हमें तेल आने तक के भूनना है अच्छे से। 10 मिनट तक के इसे स्लो आंच पे भूने और बीच बीच में आप चलाते रहिए। ये जो मिक्सर में मसाला था, मैंने इसमें थोड़ा सी पानी डाल दी हूँ और ये भी डाल दे रही हूँ। अब इसे एक बार चला लीजिए और फिर ढक्कन लगा लीजिए। देखिए 10 मिनट हो चुका है, माशाल्लाह हमारा मसाला भून चुका है।
आप इसको गैस बंद करके चलाइए, इसके छींटे बहुत उड़ते हैं। अब हम इसे एक बार चला लेंगे और बाकी के मसाले डालेंगे। अब इसमें मैं ना थोड़ा सॉस डाल रही हूँ, 2-3 चम्मच है ये, छोटे चम्मच। और इसमें ना हम आधा चम्मच ना शक्कर डालेंगे। ये डालने से ना आपका बटर चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब ये टाइम पे आप अपना नमक चेक कर लीजिए और ये डाल दीजिए। अभी तक हमने नमक नहीं डाला था, अब उसके हिसाब से डालिए। अब थोड़ा सा मैं लिक्विड फूड कलर डाल रही हूँ, रेड कलर का। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, अगर रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना है तो आप इसे डालिए। और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें थोड़ा सी पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद आप इसे अच्छे से चला लीजिए और इसे 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख लीजिए। सब चीज़ अच्छे से पक जाएगी। ठीक है, 10 मिनट हो चुका है। माशाल्लाह हमारा बटर चिकन बनकर रेडी है। अब मैंने एक तड़का पैन ली हूँ, इसमें थोड़ा सी तेल डाल रही हूँ और एक बड़ा चम्मच मस्का डाल रही हूँ। ये बटर चिकन है इसलिए हमें मस्का थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा। हमारा बटर मेल्ट हो चुका है, मैं इसमें 2 अक्खी लाल मिर्ची डाल रही हूँ और बस गैस बंद कर दीजिए। अब हम इसे बटर चिकन पे डाल देंगे और ढक्कन लगा देंगे और हम इसे डिश आउट करेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा बटर चिकन बनकर रेडी है। मैंने इसे क्रीम और बटर से गार्निश की हूँ, आप भी इसी तरह से गार्निश करके खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसी तरह से बना के देखिए, आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।